तो आज अपन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इसका। किक में चालू हो गया ये, तो पेट्रोल है क्या? जेड सिक्योरिटी लॉक। खुल जा भाई। 10 दिन के बाद पता उठ रहा है इसका। बाप रे, पूरा गंदा हो गया है। माइक्रोफाइबर से थोड़ा सा साफ सफाई कर देंगे। ऐसा कोई आलतू फालतू कपड़ा नहीं यूज़ करने का कभी भी। मस्त ऐसा एक वाइप कर देने का, इजी काम। या जब भी मैं वैकेशन से जाके आता है, ये गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि कार्बोरेटर में ऑयल ले लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी धूर मारता है, धुआं छोड़ता है बेसिकली। तो आज अपन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इसका। एक किक में स्टार्ट होता है या 10 किक मारना पड़ेगा। इधर नहीं चालू कर सकते, ये अपना घर है, ये गली है, पब्लिक उठ जाएगा। और अपने को गाली खाने का शौक नहीं है। चलो बाहर ले लेंगे। डिस्क में से भी हल्का सा आवाज़ आ रहा है, बिकॉज चलाया नहीं है तो आवाज़ आना ही है। चलो लेट्स डू द साउंड चेक। क्या ये होगा फर्स्ट किक में? चोक देगा विदाउट थ्रॉटल। ओहो, सेकंड किक में चालू हो गया। देखा, यही प्रॉब्लम होता है। ये मेरे को डाउट लग रहा है कि ये इसमें पेट्रोल है क्या। आई एम गेसिंग ये है रिजर्व पे, तो शायद से पेट्रोल भी भराना पड़ेगा आज। खर्चे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल होने के लिए। और कभी भी ऐसा ज़्यादा दिन के बाद मैं गाड़ी स्टार्ट किया ना, तो चोक पे ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उस पर तभी उसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल मिलता है। एंड थ्रॉटल नहीं देने का कोशिश करने का। अभी मैं मेरा गाड़ी को पहचानता है इतना सालों से, इसलिए मैं हल्का सा थ्रॉटल दिया। कैन सी द स्मोक। परफेक्ट। धुआं देखो पीछे। यही होता है जब भी बहुत दिन के बाद में गाड़ी निकलता है, टूटी ऑयल सेटल हो जाता है, गाड़ी ऐसा धुआं छोड़ता है। लेकिन ये थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। एक बार गाड़ी मतलब ऐसा नॉर्मल अभी फ्री हो गया, एक बार चलते रहा तो एकदम ओके। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। गाइस, बहुत दिनों के बाद स्पीडी लियो बैक ऑन द RX 100। अभी आप लोग तो रेगुलरली व्लॉग देख रहे थे, क्योंकि मैं सब व्लॉग्स शेड्यूल करके गया था। मैं हर वेकेशन के पहले वीडियोस सब कुछ शेड्यूल करके जाता है, ताकि आप लोगों को
ब्रेक ना आ रहे बीच में और चैनल का लिंक ना टूटे, इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो शूट करके अपलोड करके मैं वैकी मोड पे चला गया था टूवर्ड्स माय विलेज, दैट इज़ माय फेवरेट विलेज, मेरा गांव ओडिशा। एंड वहां पे भी मैं गया था जाके भुवनेश्वर में, जिस दिन मैंने लैंड किया आई डायरेक्टली वेंट टूवर्ड्स BMW शोरूम। तो वहां पे अपन ने जाके चलाया BMW 310 RR। यस, मज़ा आया, वहाँ के स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव थे। और अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप लोग जाके मेरा दूसरे चैनल जो है स्पीडिलियो मीडिया, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। मेरा सेकंड चैनल भी है जिसको पता नहीं है, वहाँ पे मैं मेरे व्लॉग्स, पर्सनल व्लॉग्स, जितने भी सब अलग टाइप के कॉन्टेंट है वो सब वहीं पर आता है। तो जाके वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, जिसको भी स्पीडिलियो का दूसरा वाला साइड भी जिसको देखना है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। जब भी मैं वैकेशन से आता है ना, ये गाड़ी को मैं सबसे पहले चालू करता है। तो मैं आया एक्चुअली कल, तो कल था 23। एंड भाई साहब इधर इतना गर्दी क्यों है। मैं कल आ गया था, लेकिन कल मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए था, इसलिए बोल के मैंने ये बाइक को स्टार्ट नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने आके RC को स्टार्ट किया, क्योंकि RC का थोड़ा सा इश्यूज़ चल रहा है। एंड RX को मैंने आज स्टार्ट किया, क्योंकि RX का कोई सीन ही नहीं है, RX कभी भी चालू हो जाता है। हमेशा से ये रहा है, हर टाइम का सिचुएशन ये है कि ये गाड़ी फर्स्ट किक में स्टार्ट नहीं होता, एंड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये हो रहा है मतलब आपका कार्बोरेटर में फ्यूल ज़्यादा ले रहा है। इसको 10 दिन के लिए खड़ा करके जाओ या 1 रात के लिए खड़ा करके जाओ, ये फर्स्ट किक में कभी भी चालू नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। एंड सेकेंड किक में ये डेफिनेटली होएगा विदाउट गिविंग थ्रॉटल, और थ्रॉटल का ज़रूरत एकदम ही मतलब लास्ट सिचुएशन में पड़ता है कि मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो तभी आपको थोड़ा सा थ्रॉटल देना पड़ता है। ओहो, X3 भाई साहब क्या कलर है यार, BMW के कलर्स नेक्स्ट लेवल। अभी जैसे मैंने गाड़ी को जस्ट स्टार्ट किया, आज ही आप लोगों के सामने मैंने स्टार्ट किया, तो सोचा चलो एक व्लॉग बना लेते, रियलिटी चेक हो जाएगा कि स्पीडिलियो अपना RX 100 सच में मेंटेन रखता है या सिर्फ वीडियो में दिखाता है। तो ऐसा मेंटेन गाड़ी रहेगा ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होएगा। अरे माउशे, तो अभी गाड़ी तो स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिले डुले चलता है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बहुत टाइम से खड़ा रहता है, एंड फिर सडनली अपन जब भी चालू करते हैं तो उसका ब्रेक, अपना आगे का डिस्क थोड़ा सा आवाज़ करेगा, सस्पेंशन थोड़ा सा आवाज़ करेगा, फिर जैसे एक बार सब शॉर्ट हो जाता है फिर गाड़ी एकदम मस्त चलता है। चचा देख रहे अपने बाइक को, फुटपैक्स फोल्ड, दिस लुक्स क्लीनर। मैं कभी भी पीछे का फुटपैक्स फोल्ड करके रखते हैं, मतलब फॉर सम रीज़न मेरे को तो थोड़ा सा क्लीन लगता है पीछे का। क्या बोल रहे हैं, एवरेज 40। चालीस तो ऐसा है नहीं तो बोलने को क्या जाता है, एक्चुअली रहेगा अपना गाड़ी का 30-35। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन जब से गाड़ी को इंजन का काम किया, रिबोरिंग हुआ है, तब से गाड़ी अच्छा माइलेज दे रहा है। लेट्स पुल, जस्ट कीप इन माइंड गाइस, अपना गाड़ी स्लीव्ड है, स्लीव्ड। चलो भैया आ गए अपन पेट्रोल पंप, इतना गाड़ी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, चलो इधर लगा देते हैं अपन, यहाँ पे पांचवे है। स्कूटी वाले को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, स्कूटी वाले कभी भी 100-200 का पेट्रोल भरते हैं। ये एक छोटा सा टिप फ्रॉम स्पीडिलियो। 751 मैडम, चलो पेट्रोल भरने के बाद में ना गाड़ी का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, वेट ऐड हो जाता है ना गाड़ी में। 7.5 लीटर पकड़ लेते हैं, 7 किलो,
ऐड हो गया रहेगा अपने गाड़ी में अभी। और ये गधे रॉन्ग साइड से आते हुए, ड्रैग रेसेस में भी अगर आप लोगों को पता रहेगा तो उसमें भी हमेशा बहुत ही एकदम कम पेट्रोल यूज़ किया जाता है। मतलब एक 400 मीटर का स्ट्रेच में जितना लग सकता है उतना ही वो लोग यूज़ करते हैं क्वार्टर माइल जो ड्रैग होता है। तो घर पे जाके मैं मस्त इसमें 2 पैकेट पाउच डाल देगा तो अपना टैंक भी सिक्योर रहेगा मस्त अंदर से, नो लफड़ा नो टेंशन। बाकी गाइस जब से अपना गाड़ी का जो वेल्डिंग का काम हुआ है ना, जो मज़ा आता है गाड़ी चलाने को भाई, नेक्स्ट लेवल। बहुत ही स्टेबल चलता है गाड़ी एकदम, मतलब अलग ही चलता है। मैं इतने साल से गाड़ी को चला रहा था विदाउट दैट वेल्डिंग वर्क, एंड उसके बाद से मतलब लिटरली 8-10 साल से मैं गाड़ी चला रहा था वैसे। फिर सडनली जब अभी इसका चेसी का पूरा काम हुआ है भाई, सब पूरा एकदम अलग ही गाड़ी का पूरा फील हो गया है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा आज का ये व्लॉग, लिटिल बिट टाइम पास व्लॉग फॉर यू ऑल। और अभी मैं एक मस्त वाला व्लॉग अभी शूट करने वाला है जस्ट अभी ये वीडियो को एंड करके, जो कि इसके पहले आ जाएगा और ये वाला वीडियो बाद में आएगा। दैट इज़ यामाहा RX 100 2024 लॉन्च। तो वीडियो आ गया है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं आई बटन में उसका लिंक रहेगा, आप लोग जाके वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग ने मिस कर दिया रहेगा तो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट।